आजकल लॉकडाउन में देखा जाए तो जहां एक ओर निचले तबके लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे कैसे करना होता है, वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन में जानवर भी भूखे प्यासे जगह जगह भटक रहे हैं। ऐसे लॉकडाउन कोरोना महामारी गरीब तबके लोगों की मदद करने के लिए समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के कार्यकर्ता बारिश में भी लोगों की मदद को आगे आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अतीत अग्रवाल के नेतृत्व में व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष नवीन गुप्ता, पिंटू जिला महासचिव हरिकृष्ण वासने ने गरीब बस्तियों में जाकर लोगों को भोजन के पैकेट पहुँचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अतीत अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन में जहां एक ओर जनता त्राही त्राही कर रही है, वहीं हम समाजवादी व्यापार सभा द्वारा समाज में लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सेवा कर रहे नवीन गुप्ता, पिंटू एवं हरिकृष्ण वासनी ने बताया कि समाजवादी व्यापार सभा द्वारा सुबह शाम 2 टाइम जानवरों को, बंदरों को जो आवारा घूम रहे हैं, जो किसी से मांग नहीं सकते, ऐसे बेजवानों के लिए सुबह शाम सब्जी कटवाकर गाय बंदरों को खिलाते हैं। मीडिया को जानकारी देते हुए समाजवादी व्यापार सभा के जिला सचिव टिंकू वासनी ने बताया कि ऐसे लॉकडाउन महामारी में पिछले साल भी समाजवादी पार्टी द्वारा सेवा कार्य किए गए थे और इस बार भी सभी कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए हैं। अलीगढ़ से राहुल गुप्ता की रिपोर्ट। आज समाजवादी व्यापार सभा द्वारा जो गरीब लोग हैं, जो वो लोग हैं जो व्यापारी तबके से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जो व्यापारियों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मजदूर, गरीब, रिक्शे वाले, पल्लेदार, आज उनकी रोजी रोटी का टोटा हो गया है। उनको खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम आज व्यापारी समाज उन लोगों की मदद के लिए उतरा है और पत्रकार बंधु आपके सामने उन लोगों की मदद भी की जा रही है। तो किस तरह का संदेश देना चाहोगे समाज के लिए? समाज में ये संदेश देना चाहते हैं कि व्यापारी, समाजवादी व्यापारी हर तबके के साथ है। व्यापारी कंधे से कंधा मिलाकर, पैर से पैर बांध के खड़े हैं। क्या नाम आपके? मेरा नाम हरिकृष्ण, समाजवादी व्यापार सभा से जिला महासचिव। समाजवादी व्यापार सभा की तरफ से एक आह्वान किया गया है कि गरीब जनता जो इस समय भूखी मर रही है, उसके घर पर, उसके दर पर पहुँच पहुँच कर उनको खाना उपलब्ध कराया जाए और जानवर, इंसान आज त्राही त्राही जो कर रहा है उस तक समाजवादी व्यापार सभा हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग जी के आह्वान पर सभी समाजवादी लोग आज यहाँ एकजुट हुए हैं और उन सभी लोगों ने अपना एक दूसरे का सहयोग करके रोज शपथ ली है कि हम गरीब जितने भी रिक्शे वाले, ठेले वाले, गरीब जनता उनके घर पर पहुँचे खाना, सामान, राशन उपलब्ध मुहैया कराएँ और अगले आने वाले कार्यक्रम में हम सारी दुकानें, मार्केट को सबको सैनिटाइजर करेंगे और समाजवादी व्यापार सभा का हर एक कार्यकर्ता से मेरी अपील है वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जनता आज मर रही है, हमें सड़कों पर उतर कर उनका साथ देना होगा, उनका कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलना होगा। कब से कब तक चल रहा है ये कार्यक्रम? आज 2 महीने हो गए। इससे पहले हमने बस स्टैंड पर सैनिटाइजर करा था, उसके बाद में हमने क्षेत्रों को सैनिटाइजर किया था, मास्क वितरण करे थे, भोजन वितरण करा था। कल भी हमने नगर निगम में बंदरों को, गायों को, उनको हमने उपलब्ध कराए थे और आज भी हम सब लोगों के साथ सहयोग मिलकर सबको खाना पीना ये सब उपलब्ध करा रहे हैं। कुछ पशुओं को भी डाला? हाँ, पशुओं को लगातार रोड डाले जा रहे हैं। पशुओं को उनका कहने वाला कोई नहीं है, वो बेजुबान जानवर हैं, वो किनसे कहेंगे? इंसान तो एक बार को मांग कर ले सकता है लेकिन जानवर किनसे कहें? तो हमारा पहला उद्देश्य जानवर, पशुओं के साथ इंसान की भी रक्षा करना। आज समाजवादी व्यापार सभा जिला अलीगढ़ में शहर के अंदर एक अभियान को चला रही है, पशुओं के लिए खाना वितरण कर रही है, भोजन की व्यवस्था कर रही है। गरीब मजदूर जो हमारा त्राही त्राही हुआ इस टाइम हमारी के दौर में परेशान है, ये समझ लीजिए कि जो लॉकडाउन लगाया या कर्फ्यू जो लगाया है उन्होंने, उससे व्यापार तो हो गए तब मजदूर परेशान, जितना मजदूर वर्ग है वो उस टाइम इतना परेशान है कि उसको कमाने का कोई साधन रहा नहीं, व्यापारियों से जुड़ा रहता है। हमारे समाजवादी व्यापार सभा इस तहत मजदूरों के लिए ये अभियान चला रही है जिसमें हम मजदूरों को खाना पूर्ति कर रहे हैं और जैसे और गरीब मजदूर हैं जिनके घर पर कोई नहीं है, उनके घर जाकर के खाद्य सामग्री हम वितरण कर रहे हैं। ये हमारा ये है, हम समाजवादी हैं,
हम सबके साथ हैं और हमारा मेन उद्देश्य है कि सबका साथ और सबका विकास, यही हमारी ये धारणा। क्या नाम है आपका? मैं नवीन गुप्ता, जिलाध्यक्ष समाजवादी व्यापार सभा।